मुंडावर उपखंड के बीजवाड़ चौहान में कृषि कॉलेज की मांग को लेकर बैठक का आयोजन 2 सितंबर को किया जाएगा। मुंडावर महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश यादव बल्लूवास ने बताया कि बीजवाड़ क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी कॉलेज की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कॉलेज आयुक्त सहित अनेक अधिकारियों से मिल चुका है। क्षेत्र की मांग स्वीकार नहीं करने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अलवर जिला अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने पदभार ग्रहण करने के दौरान मीडिया कर्मियों से कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता वकीलों की समस्याओं का समाधान करना होगा। वकीलों की अनेक मांगे काफी लंबे समय से लंबित है। इन मांगों के समर्थन में लगातार शासन और प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा। जी सर, आप क्या कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित हुआ है? देखिए, 27 तारीख को जो मतदान हुआ था उसका रिजल्ट करीब 4:45 बजे से उतर के आया था, लेकिन जो सर्टिफिकेट होते दोनों थे वो नहीं हो पाए थे अधिकारियों को। आज चुनाव टीम द्वारा जो वित्तीय प्रत्याशी थे उनको सर्टिफिकेट इशू किए गए और विधिवत चार्ज दिया गया। तो सर, प्रथम तो मैं मेरे साथ जो निर्वाचित कार्यकारिणी है उनको बधाई देता हूँ, और जो अधिवक्त साथी ने मतदान का अपना यूज किया और शांतिपूर्ण चुनाव हुए उसके लिए सभी अधिवक्त साथियों का चुनाव टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही जो मेरी प्राथमिकता है इस कार्यकाल में, वो सबसे पहली प्राथमिकता है कि बार बेंच प्रशासन में सामान्य से बना रहे और वकीलों के मान सम्मान में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वकीलों की जो भी समस्या होगी उसके लिए तत्पर मैं सदैव हर संभव प्रयास करूँगा उन समस्याओं के निराकरण के लिए। और आगामी समय में जो कोर्ट सेक्टर की बात चल रही है उसमें चैम्बर निर्माण की जो बात है उसके लिए चाहे हमें सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़े उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, और चैम्बर निर्माण जब तक नहीं हो तो कोर्ट को ऐसी नहीं देंगे।